अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्तगल गाजी की। अर्तगल गाजी 1198 ईस्वी में पैदा हुए। अर्तगल गाजी बचपन ही से होशियार और बहादुर जंगजू थे। अर्तगल गाजी का ताल्लुक तुर्की के एक बहादुर काई कबीले से था। नाजरीन, चंगेज़ ख़ान ने जब अपनी फ़ौज के साथ मिलकर तुर्की और इसके इर्द गिर्द इलाकों पर हमला कर दिया, इस हमले में मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों और बच्चों पर जुल्म किया। नाजरीन, इस वक्त तातारियों के डर से कई कबीले अपने वतन को छोड़कर चले गए और अर्तगल गाजी भी अपने वालिद और अपने कबीले के साथ मिलकर अपने वतन को छोड़कर इर्द गिर्द भटकने लगे। जब अर्तगल गाजी के वालिद का इंतकाल हुआ तो इनके भाई भी अर्तगल गाजी से अलहदा हो गए। वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हसब रवायत आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे इस मुनफरद चैनल तैयबवान ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे आने वाले और भी वीडियो की तफसीलात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि अर्तगल गाजी की बहादुरी को देखकर काई कबीले ने अर्तगल गाजी को अपना सरदार बना लिया। सरदार बनने के बाद अर्तगल गाजी ने सुल्तान अलाउद्दीन के लश्कर में मिलने का ऐलान कर दिया और इस ऐलान पर सारा काई कबीला मान गया। नाजरीन, अर्तगल गाजी ने एक जंग में सुल्तान अलाउद्दीन की फ़ौज की मदद की और इसे फतह हुई। इस बहादुरी को देखकर सुल्तान अलाउद्दीन ने इनका कबीले को एक बहुत बड़ा ज़रख़ेज़ हिस्सा ज़मीन का दिया। ये एक पहाड़ी इलाका था और काई कबीला यहीं आबाद हो गया। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन ने उन्हें यह भी कहा कि आप अपने करीबी इलाकों को फतह करें और अपने इलाके में शामिल करें। यह इलाका ईसाइयों का था जो बिल्कुल इस सरहद से जुड़ा हुआ था। इसके बाद अर्तगल गाजी ने अपनी बहादुरी और शजाअत से सरहद के करीबी तमाम इलाकों को फतह कर दिया। इस फतह का काई कबीले और अर्तगल गाजी को इतना फ़ायदा हुआ कि बहुत से कबाइल आपकी जुर्रत और बहादुरी देकर आपके कबीले में शामिल हो गए और आपको अपना सरदार तस्लीम कर दिया। इस तरह अर्तगल गाजी की कुव्वत में और भी इजाफा हो गया। इसके बाद अर्तगल गाजी ने बहुत सी जंगें लड़ी जिसमें उसे कामयाबी हुई। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि अर्तगल गाजी के तीन बेटे थे। इनके सबसे छोटे बेटे उस्मान थे, वो भी आपकी तरह बहादुर और इस्लाम से बेहद मोहब्बत रखने वाले थे। आपकी अहलिया हलीमा सुल्तान सलजुकी शहजादी की बेटी थी। अर्तगल गाजी ने 90 साल की उम्र में वफात पाई। आपकी वफात के बाद आपके सबसे छोटे बेटे उस्मान गाजी आपके जानशीन बने और उन्होंने भी अपनी बहादुरी से कई इलाकों को फतह किया और उन्होंने अपनी सल्तनत कायम की जिसे सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मुख्तसर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसे आने वाली और भी वीडियो की तफसीलात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।